जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में अपराचला एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गवन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धोमे नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उनके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उद्देश्य दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत और अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।